हेलो फ्रेंड्स एंड अ वेरी वॉम वेलकम टू लेक्चर नंबर फोर ऑफ सोशल प्रोटेक्शन वेलफेयर स्कीम्स क्विक डिस्कशन चल रही है इन लेक्चर्स के अंदर एंड डेफिनेटली इट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट सो द स्कीम दैट वी आर गोइंग टू डू इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर इज अटल पेंशन योजना इसको डिस्कस करेंगे काफी इंपॉर्टेंट स्कीम uh, है और इसके अंदर पिछले साल एक दो माइन्यूट से चेंजेस आए थे वो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे इंटरनेट पर आप जब वेरियस वेबसाइट्स के अंदर देखते हो तो uh, आपको वो चेंजेस uh, हुए नहीं मिलेंगे ठीक है वो आप सिर्फ अगर गवर्नमेंट वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो कहीं पे आपको वो चेंज नजर में आएंगे और वो चेंज इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उससे ना पूरे का पूरा मतलब बदल जाता है जब वो क्वेश्चन की फॉर्म में आता है ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अगर आ जाए तो वो पूरे का पूरा मतलब बदल जाता है तो अटल पेंशन योजना काफी इंपॉर्टेंट है ध्यान से समझिएगा अटल पेंशन योजना बेटा लॉन्च हुई थी 2015 में पूरी की पूरी डेट याद रखने की तो जरूरत नहीं है बट ये रिकमेंडेड है कि एटलीस्ट आपको ईयर याद हो કે પૂરી ڈیٹ યાદ કરવાની જરૂરત નથી પર યર યાદ રહે યે ઈમ્પોર્ટન્ટ હે સોશિયલ સિક્યુરિટી મિકેનિઝમ હે સ્પેશિયલી પુઅર કો ટાર્ગેટ યહાં પર કિયા જાતા હે જો અન્ડર પ્રિવિલેજ્ડ હે અનઓર્ગેનાઇઝ્ડ સેક્ટર મે કામ કરને વાલે જો લોગ હે પેન્શન સ્કીમ હે હમને પહેલે ભી પેન્શન સ્કીમ્સ કો કવર અપ કિયા હે ધીસ ઇસ ઓલસો અ પેન્શન સ્કીમ तो अटल पेंशन योजना को एडमिनिस्टर कौन करता है सबसे पहले तो ये याद रखिएगा अटल पेंशन योजना को आपका जो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है पी एफ आर डी है यह इसको रेगुलेट करता है एडमिनिस्टर करता है थ्रू द नेशनल पेंशन सिस्टम ये डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर पूछ सकता है वो कि कौन इसको रेगुलेट करता है एडमिनिस्टर करता है एलिजिबल कौन है इसको ज्वाइन करने के लिए कोई भी बैंक अकाउंट होल्डर है जिसका बैंक अकाउंट है और 18 टू 40 एज ईयर ग्रुप में है तो वो इसको ज्वाइन कर सकता है अब जैसे हमने पहले जो पेंशन स्कीम्स देखी है उसके अंदर भी क्या था कि कॉन्ट्रीब्यूशन डिफरेंट रहता है क्योंकि इसके अंदर भी एक है। है? इसके अंदर अंदर भी भी एक एक मिनिमम मिनिमम इंश्योरेंस इंश्योरेंस है 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 ठीक सरकार दे रही है कि साठ साल की उम्र के बाद मिनिमम तुमको इतनी पेंशन मिलेगी वो मिनिमम पेंशन कितनी है वो भी हम डिस्कस करेंगे तो 18 टू 40 इयर्स के बीच में आप इसको ज्वाइन कर सकते हो और आपका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा सालाना वो डिपेंड करेगा कि आप किस एज ग्रुप में जो है इसको ज्वाइन कर रहे हो अच्छा जैसे अब हमने जो पहले पेंशन स्कीम्स देखी थी उसके अंदर क्या था कि भाई मिनिमम पेंशन तीन हजार रुपए की सरकार ने बोला था यहाँ पर सरकार वेरिएबिलिटी लेकर के आई है यहां पर सरकार ने एक मिनिमम पेंशन नहीं रखी है यहाँ पर सरकार ने अलग अलग मिनिमम पेंशन रखी है तो वो एक पर्सन की विल के हिसाब से वो डिसाइड कर सकता है कि हाँ यार मुझे इतनी मिनिमम के के है। है? अब एक चीज यहां पर ध्यान में रखना जब ये 2015 में स्कीम शुरू हुई थी तब सरकार ने बोला था कि कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है लेकिन 1 अक्टूबर 2022 को सरकार ने इसमें थोड़ा सा चेंज लेकर के आए सरकार ने बोला कि जो भी इनकम टैक्स पेयर है ना ठीक है जो भी इनकम टैक्स पेयर है जो इनकम टैक्स पे करता है हर साल वो इस अटल पेंशन योजना को ज्वाइन नहीं कर सकता अब 2022 अक्टूबर से पहले तो 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 जिन्होंने ज्वाइन कर कर ली वो तो कर ली वो वो तो उनका तो चलेगा चाहे वो इनकम टैक्स पे भी करते हैं लेकिन एक अक्टूबर 2022 से अगर आप एक इनकम टैक्स पेयर हो तो फिर आप ये स्कीम जो है इसको नहीं ज्वाइन कर सकते फिर ये ताकि ये स्कीम जो है बेटर किसको कवर कर सके जो मार्जिनलाइज सेक्शन है ओके एंड इसके अंदर जो सब्सक्राइबर्स हैं वो डिसाइड कर सकते हैं कि उनको मंथली पैसे पे करने हैं क्वार्टरली के पे करने हैं या हाफ ईयरली बेसिस पे करने हैं वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से अब फॉर एग्जांपल किसी के अगर पांच सौ रुपए बनते हैं साल के तो मंथली में करेगा तो पांच सौ डिवाइड बाय ट्वेल्व हो जाएगा क्वार्टरली में करेगा तो पांच सौ डिवाइड बाई चार हो जाएगा हाफ ईयरली में करेगा तो पांच सौ डिवाइडेड बाय दो हो जाएगा वो उसकी विल एंड विश है बेनिफिट्स की अगर आप बात करें मैंने आपको कहा कि यहाँ पर जो मिनिमम मंथली पेंशन है ना ये वेरिएबल है ठीक है यहां पर फिक्स नहीं है जैसे पहले की जो स्कीम उस थी उसमें तीन हजार फिक्स रख दी थी यहां पर सरकार कह रही है कि एक हजार हो सकती है दो हजार हो सकती है तीन हजार हो सकती है चार हजार हो सकती है पांच हजार हो सकती है ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि, कि कितना वो कंट्रीब्यूट कर रहा है ठीक है वो बेसिकली होगा क्या जब इंसान स्कीम को ज्वाइन करने जाएगा तो उससे पूछा जाएगा कि हाँ भाई कितनी मिनिमम पेंशन चाहिए तुमको वो कहता है अगर चार हजार तो वो उस हिसाब से उसकी प्रीमियम कैलकुलेट कर देंगे डिपेंडिंग कि वो किस एज ग्रुप में ज्वाइन कर रहा है अगर वो कहता है दो हजार तो उसी हिसाब से हो जाएगी ठीक है तो इसमें वेरिएबल है इसमें कोई एक मिनिमम नहीं है मिनिमम पेंशन साठ की उम्र के बाद उसको मिलनी शुरू हो जाएगी अगर साठ की उम्र के बाद उसकी डेथ हो जाती है तो बीवी को मिलेगी और पूरी मिलेगी यहां पर फिफ्टी परसेंट वाला चक्कर नहीं है और अगर जो बेनिफिशियरी है उसकी भी डेथ हो जाती है और स्पाउस की भी डेथ हो जाती है तो उस केस में जो भी उनका नॉमिनी है उसको पेंशन नहीं मिलेगी उसको क्या होगा जितना उसके फंड में पैसा इकट्ठा हुआ है ना अभी तक जो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन इकट्ठा हुआ है और जो उसके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह मिलकर के इकट्ठा हुआ है वो उसको एक बार में दे दिया जाएगा ठीक है अगर बेनिफिशियरी और स्पाउस दोनों की डेथ हो जाती है अगर सब जो बेनिफिशियरी है या जो सब्सक्राइबर है जिसने ये पेंशन प्लान लिया है अगर उसकी प्री मेच्योर डेथ हो जाती है यानी कि साठ साल की उम्र से पहले डेथ हो जाती है तो उसके जो भी स्पाउस है मियां बीवी जो भी है उसको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप ये स्कीम को कंटिन्यू कर सकते हो और कंटिन्यू करने के लिए जो प्रीमियम पहले

फंड के अंदर पैसा डाल रहे हो एक तरीके से सरकार के पास आपका गुल्लक है ठीक है उस गुल्लक में आप हर महीने या हर साल प्रीमियम डाल रहे हो अब वो प्रीमियम सरकार कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगी ठीक है तभी तो सरकार आपको एक मिनिमम इंश्योरेंस दे रही है क्योंकि वो उतना पैसा इकट्ठा करके उसको इन्वेस्ट करती जाएगी उसके ऊपर कुछ ना कुछ सरकार कमाएगी उस इन्वेस्टमेंट पे एंड तभी आपको एक मिनिमम पेंशन एश्योर होगी अब हो सकता है कि सरकार जो इन्वेस्टमेंट करे उसमें नुकसान हो जाए जरूरी तो नहीं है ना कि वो इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल ही होगी तो क्या पता उसमें नुकसान हो जाए तो सरकार क्या कहती है कि भाई देखो हमने तुम्हें बोल दिया फॉर एग्जाम्पल की एक बार हम तुम्हें तीन हजार रुपए मिनिमम पेंशन प्लान तुमने एनरोल कर लिया अब ये जो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है अगर इसमें घाटा भी हो गया अगर ये जो तुमने फंड में पैसा डाला और इसको हमने इन्वेस्ट किया और इसमें घाटा भी हो गया तो हम तो तुमको तीन हजार देंगे ही देंगे तो जो घाटा होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर करेगी हाँ लेकिन अगर इस इन्वेस्टमेंट में फायदा हो गया यानी कि जितनी रिटर्न हमने तुम्हें देनी थी उससे ज्यादा फायदा हो गया तो जो एडिशनल रिटर्न है ना वो भी हम तुमको देंगे उससे जो तुम्हारी पेंशन का अमाउंट है वो बढ़ जाएगा ठीक है बात समझ में आई सीधी सी बात सरकार ये कह रही है कि हमारा गुल्लक है हमारे गुल्लक में तुम पैसे डाल रहे हो हर साल एक तरीके से उस पैसे को हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अगर उस इन्वेस्टमेंट में कुछ नुकसान हो जाता है तो हमने जितना तुम्हें वादा किया है कि साठ के बाद हम तुम्हें इतनी मिनिमम पेंशन देंगे तो हम देंगे चाहे नुकसान हमें बह, उठाना पड़े लेकिन अगर उसी इन्वेस्टमेंट में अगर कोई फायदा हो जाता है तो वो फायदा भी हम तुम्हें देंगे फिर सरकार ये नहीं कह रही कि वो फायदा तो फिर हम रखेंगे नहीं सरकार कह रही है कि वो फायदा भी हम तुमको देंगे तो ये इसके अंदर एक Uh, बढ़िया पॉइंट है अटल पेंशन योजना के अंदर जो आपको ध्यान में रखना हवे गेस सो दिस वाज अटल पेंशन योजना एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू अटल पेंशन योजना आई होप आप लोगों को मजा आया होगा पीडीएफ फाइल्स मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ डिस्क्रिप्शन में लिंक है देर इज अ माइन्यूट पेमेंट फॉर इट जस्ट नाइंटी नाइन रुपीज नाइनटी नाइन रुपीज सिर्फ और सिर्फ एक सीरियसनेस को इंडल्ज करने के लिए है ठीक है अगर आप पीडीएफ नहीं भी लेते हो तो यूट्यूब पे तो फ्री लेक्चर्स है ही आप नोट्स बना सकते हो स्क्रीन ले सकते हो मल्टीपल चीजें होती है उसके अंदर भी है ना कोई भी दिक्कत हो व्हाट्सएप कर सकते हो मेल कर सकते हो टेलीग्राम के ऊपर आप चैट ग्रुप ज्वाइन करो वहां पर अपनी बातें पूछो वहां पर वीडियो के लिंक्स भी डालता रहता हूँ मैं जैसी वीडियो अपलोड होती है वो वहां पर मैं डाल देता हूँ ताकि आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए ठीक है और कमेंट जरूर करो वीडियो के नीचे कि कैसा लगा ओके चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन टेक केयर एंड बाय